नमस्कार, शिमला से जय स्नेही के साथ मैं हूं पुष्पेंद्र। हिमाचल टॉप न्यूज़ के इवनिंग टॉप बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की टॉप खबरें। हिमाचल प्रदेश में सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रदेश के ऊना जिले के बाथड़ी में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। ब्लास्ट के तत्काल बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है, तो वहीं यहां भी राजनीति शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं भाजपा भी पलटवार कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़े। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पूर्व आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विस अध्यक्ष विपिन परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज व माकपा विधायक राकेश सिन्हा शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 13वीं विधानसभा का 14वां सत्र में 16 बैठकें होंगे। बजट सत्र में 1069 प्रश्न पत्र आए हैं, जिसमें 722 तारांकित जबकि 347 अंतरांकित प्रश्न है। 3 मार्च व 10 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा। उन्होंने बताया कि नियम 130 के अंतर्गत 5 सूचनाएं मिली है। 4 मार्च को सदन में सीएम जयराम ठाकुर सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। उधर दूसरी तरफ शिमला की एसपी डॉक्टर मोनिका की अगुवाई में पुलिस ने आज विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया तथा सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। इसी के साथ एसपी शिमला डॉक्टर मोनिका ने बताया कि सुरक्षा के चलते सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़े। चंबा जिले के भट्टी याद क्षेत्र के एक युवक की दिल्ली में हुए हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बद्दी से ट्रक लेकर निकला ये युवक आज सुबह तड़के जब ट्रक को खड़ा कर सड़क किनारे पर था, तो कार ने अनियंत्रित होकर उसे रौंद डाला। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बनेट पंचायत के 31 वर्षीय युवक की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अगली खबर की ओर बढ़े। जिला के चुवाड़ी क्षेत्र की मलुंडा पंचायत में सड़क निर्माण में बाधा पहुंचाने को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति ने सड़क की जमीन को निजी बताते हुए पेवर टाइल्स उखाड़ डाली तथा वहां एक फट्टा लगा लिया कि जमीन उसकी निजी है। उधर पंचायत प्रधान की शिकायत के आधार पर उस युवक के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने आज मौका किया। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी हिमाचल टॉप न्यूज के मॉर्निंग टॉप बुलेटिन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। देखते व पढ़ते रहिए हिमाचल टॉप न्यूज.com।